मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और सबके लिए एक स्पेशल इंसान को बनाया गया है जिसे ट्रू लव कहा जाता है। इसके बाद हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम माइक होता है। उसकी कंडीशन काफी खराब दिख रही थी। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर चुका हो। फिर वो लैब से निकलकर जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक केबिन दिखाई देती है। वो उसका दरवाजा नॉक करता है, तभी उसकी नजर एक पास वाले आदमी पर पड़ती है जो की असल में एक ज़ॉम्बी था, जिसे देखकर माइक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लगता है। इसलिए घर का ओनर उसे ज़ॉम्बी समझकर शूट कर देता है। लेकिन इसके बावजूद माइक अभी भी जिंदा था और उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा था, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो भी एक ज़ॉम्बी बन गया है। हालांकि वो गोली लगने की वजह से काफी डर गया था और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वो देखता है कि चारों ओर ज़ॉम्बी फैल गए है जो लोगों को बहुत ही बेरहमी से खा रहे है। इसके बाद माइक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसे ब्रेंट नाम का एक और ज़ॉम्बी मिल जाता है जो उसी की तरह बोल सकता था। इसके बाद ब्रेंट माइक को खाने के लिए एक इंसान का कटा हुआ हाथ देता है, जिससे डरकर माइक वहां से भाग जाता है और टेलीफोन की मदद से पुलिस को कॉल करके उसे सारी बातें बता देता है। लेकिन उन लोगों को माइक की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और वो उसका मजाक उड़ाने लगते है। तभी वहाँ पर ब्रेंट भी पहुँच जाता है जो जबरदस्ती फोन रख देता है और माइक से कहता है की तुम भी एक ज़ॉम्बी बन चुके हो, इसीलिए वो लोग तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। ये सुनकर माइक कहता है कि हम ज़ॉम्बी नहीं है क्योंकि ज़ॉम्बी कभी भी बात नहीं कर सकते हैं। हमें किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ब्रेंट इस बात को नहीं मानता है और वो कहता है कि सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है जिसमे ब्रेंट माइक का हाथ उखाड़ देता है। ये देखकर माइक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि बार में से बाहर निकलता आदमी उसे देख रहा है तो वो वापस से अपना कटा हुआ हाथ जोड़ देता है। इसके बाद वो दोनों बियर पीने के लिए बार में पहुँचते है। इस दौरान माइक जब पैसों के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसे उसमें से एक रिंग मिलती है, जिससे उसे याद आ जाता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड एली को प्रपोज करने वाला था लेकिन उससे पहले ही वो मर गया था। उस बात पर ब्रेंट उसे बताता है कि इस बात को 3 साल बीत चुके हैं, इसलिए अब वो किसी और के साथ होगी और तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और लाइफ के दूसरे मौके को गवाना नहीं चाहिए। लेकिन जब माइक एली को ढूंढने का फैसला करता है तो ब्रेंट उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वहां पर ज़ॉम्बी से बचने के लिए थॉमस नाम के आदमी के साथ साथ लिंडा नाम की लेडी और उसका बेटा जैक भी आ जाता है, क्योंकि उस लेडी के हस्बैंड को ज़ॉम्बी ने बहुत ही बेरहमी से खा लिया था। इसी दौरान जैक भी इन्फेक्टेड हो गया था, इसलिए वो किसी के कुछ समझने से पहले ही लिंडा को काट लेता है, जिससे थॉमस उन दोनों को शूट करके मार देता है। फिर सभी लोग मिलकर दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगते है, जिसमे माइक और ब्रेंट भी उसका साथ दे रहे होते है। लेकिन तभी थॉमस को पता चल जाता है की वो दोनों ज़ॉम्बी है, इसलिए वो ब्रेंट को एक नुकीले लकड़ी के ऊपर फेंक देता है जो उसके पेट के आर पार हो जाती है। इसके बाद थॉमस उन दोनों को शूट करने ही वाला होता है, तभी ब्रेंट उसे बताता है की हमने यहाँ किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और हम सिर्फ यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगते हैं, जिससे माइक और ब्रेंट वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन जब माइक की आंखें खुलती है तो ब्रेंट उसे चीज नाम के एक ज़ॉम्बी से मिलवाता है जो उसके साथ काफी खुश दिखाई दे रहा था। तभी उन लोगों को क्लिफ नाम का एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो वहाँ से जा रहा था। वो इन लोगों को देखकर लिफ्ट के लिए पूछता है, जिसके लिए वो तीनों तैयार हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चार्ल्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि जेनटेक नाम की कंपनी का ओनर था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जेनटेक कंपनी ज़ॉम्बीज को खत्म करने का काम करती थी, इसी वजह से वो लोग उस बार में आए होते है जहाँ पर पिछली रात ज़ॉम्बीज ने अटैक किया था। इस दौरान चार्ल्स के आदमी उसके पास थॉमस को भी ले आते है और उसे शूट करने ही वाले होते है। लेकिन तभी थॉमस उन सब पर अटैक कर देता है और उनसे गन छीनकर चार्ल्स पर अटैक कर रहे ज़ॉम्बी को गन से शूट कर देता है। ये देखकर चार्ल्स खुश हो जाता है। इसके बाद हम क्लिफ को देखते हैं जो माइक और उसके साथियों के साथ जा रहा था। तभी हाईवे पर मौजूद गार्ड उसे रोक लेता है और वो गार्ड क्लिफ और बाकी लोगों को गाड़ी से उतरने के लिए बोलता है, इसीलिए क्लिफ उस पर अटैक करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चार्ल्स ने थॉमस को हंटर टीम का हेड बना दिया था, इसीलिए वो ज़ॉम्बीज को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इधर माइक अपने सपने में देखता है कि एली भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है जो उसके दिल को निकलकर बहुत ही बेरहमी से खाने लगती है, जिससे डरकर माइक की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि क्लिफ सो रहा है और गाड़ी कोई और नहीं बल्कि चीज चला रहा होता है। ये देखकर माइक चिल्लाने लगता है, जिसके चिल्लाने से चीज भी डर जाता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। तभी उसकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो गया था, इसीलिए क्लिफ वहाँ पर सभी लोगों को कैंप लगाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है, जिसके लिए ना चाहते हुए भी माइक तैयार हो जाता है और फिर वो लोग गाड़ी को रास्ते में ही छोड़ देते हैं। इसीलिए उस गाड़ी को वहाँ से निकलता हुआ पुलिस ऑफिसर देख लेता है, जिसे देखकर वो पुलिस ऑफिसर आसपास चेक करने का फैसला करता है और वो ब्रेंट के पास पहुँच जाता है। लेकिन जब वो उसका चेहरा देखता है तो वो बहुत ही
ज्यादा डर जाता है और उसे गन से शूट कर देता है, जिससे वहां पर मौजूद चीज उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है। ये देखकर ब्रेंट काफी डर जाता है और माइक के पास आकर तुरंत वहां से चलने के लिए बोलता है। हालांकि माइक को इस दौरान कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो ब्रेंट को इस बारे में पूछता है, लेकिन ब्रेंट उसे सारी चीजें बाद में समझाने के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग पुलिस ऑफिसर की गाड़ी से फ्यूल चोरी करके वहां से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन हम थॉमस को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर पुलिस ऑफिसर इन्फेक्टेड हुआ था। इस दौरान वो आसपास की चीजों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो पुलिस ऑफिसर, जो कि अब जोम्बी बन चुका था, वो थॉमस के टीम मेंबर पर अटैक कर देता है। फिर थॉमस उस जोम्बी पर लगातार अटैक करके उसे मार डालता है। इसके बाद हमें जेनटेक कंपनी के लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक साइंटिस्ट एक मरे हुए आदमी के अंदर किसी तरह का इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहा था, जिससे उस आदमी की आधी बॉडी कटी हुई होने के बावजूद भी उसके अंदर जान आ जाती है। इस दौरान वो जोम्बी होने के बावजूद भी बातें कर रहा था, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ब्रेंट और माइक को भी इसी तरह के एक्सपेरिमेंट से बनाया गया है। इधर जब उस जोम्बी की नजर अपनी बॉडी पर पड़ती है तो वो पूरी तरह से बौखला जाता है। इसी वजह से वहां पर मौजूद साइंटिस्ट उसे गन से शूट करके मार देता है। इसके बाद हम ब्रेंट को देखते हैं, जो एक शॉप से पॉपकॉर्न खरीदने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे थॉमस और उसके साथी देख लेते हैं, इसीलिए जब वो वापस आने लगता है तब वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद थॉमस माइक और चीज के पास पहुंचकर उसे भी पकड़ लेता है। हालांकि माइक थॉमस को समझाने की कोशिश करता है कि हम बुरे जोम्बी नहीं है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, इसीलिए तुम हमें जाने दो। लेकिन थॉमस माइक के पैर पर शूट करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे चीज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो थॉमस और उसके साथियों पर अटैक करके बहुत ही बेरहमी से उन्हें मारने लगता है। तभी ब्रेंट भी क्लिफ की मदद से खुद को आजाद करवा लेता है और थॉमस की वैन चोरी करके वहां पर आ जाता है और वो चीज और माइक को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान माइक के पॉकेट में रखी हुई रिंग गिर जाती है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए वैन से नीचे उतर जाता है और तभी थॉमस और उसके साथी उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेंट माइक को बचाने के लिए चीज की आंतड़ियों को उसकी ओर फेंक देता है, जिसकी हेल्प से माइक वैन में आ जाता है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर माइक क्लिफ के पास पहुंचता है, जो समंदर के किनारे अपनी मरी हुई वाइफ की राख को लेकर बैठा हुआ था। फिर जब माइक और उसके दोस्त क्लिफ से बात करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो मर चुका है, जिससे उन्हें बहुत ही दुख होता है। फिर माइक क्लिफ के वाइफ की राख को समंदर में ही बहा देता है। इसके बाद माइक अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर पहुंचता है और उसे याद आ जाता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि चार्ल्स ने ही गन से शूट करके मारा था। इस दौरान हमें यह भी पता चल जाता है कि चार्ल्स एलिका डेड है। तभी वहां पर जोम्बी हंटर की टीम पहुंच जाती है, जो ब्रेंट को गन से शूट कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग खिड़की से भाग जाते हैं। इसके बाद माइक ब्रेंट को एक पार्टी का इनविटेशन दिखाता है और कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि एली भी वहां पर जरूर जाएगी। हालांकि उस दौरान ब्रेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें एली को भूल जाना चाहिए, क्योंकि शायद वो तुम्हें प्यार नहीं करती है और साथ में ही उसके डैड ने भी तुम्हें मारा था। लेकिन ये बात माइक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसीलिए वहां पर उन दोनों में बहस हो जाती है और वो दोनों वहां से अलग हो जाते हैं, जिससे माइक चीज को भी ब्रेंट के साथ भेज देता है और अकेले ही उस पार्टी में चला जाता है। लेकिन वो डर रहा होता है कि कहीं एली उसका चेहरा देखकर उसे मना ना कर दे, इसीलिए वो चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर उसके पास जाने का फैसला करता है। दूसरी ओर जोम्बी हंटर टीम ब्रेंट को पकड़ लेती है। इधर जब माइक कॉस्ट्यूम पहनकर एली के पास जाता है और उससे बात करता है, तो एली काफी खुश हो जाती है और वो उसके साथ डांस करने लगती है। इस दौरान माइक को एहसास हो जाता है कि एली अभी भी उससे प्यार करती है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे इस बारे में बता पाता, वहां पर थॉमस पहुंच जाता है, जो उसे पकड़कर अपने साथ ले आता है। फिर जब थॉमस और उसके साथी माइक और ब्रेंट को मारने वाले होते हैं, तभी चीज उन पर अटैक कर देता है और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। फिर जब वो थॉमस को काटने वाला होता है, तो माइक और ब्रेंट उसे ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं। तभी चीज का ध्यान भटकने की वजह से मौका पाकर एक जोम्बी हंटर उसे शूट कर मार देता है। ये देखकर माइक और ब्रेंट बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके बाद थॉमस उन दोनों को गाड़ी में डालकर चार्ल्स के पास लेकर आता है, जिससे चार्ल्स थॉमस से काफी खुश हो जाता है। इस दौरान माइक चार्ल्स से बताता है कि मैं एली से प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे मार दिया, जिस पर चार्ल्स उसे कहता है कि एली तुमसे अच्छा लड़का डिजर्व करती है और उसने तुम्हारे मरने से पहले ही तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया था। इसके बाद चार्ल्स माइक को लेटर पढ़कर सुनाता है, जिससे माइक ने मरने से पहले पढ़ा था, जिससे माइक को कन्फर्म हो जाता है कि उसके मरने से पहले ही उसका और एली का ब्रेकअप हो गया था। फिर चार्ल्स अपने आदमियों से माइक और ब्रेंट को लैब ले जाने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। फिर जब थॉमस वहां से जाने लगता है, तो उसे वहां पर माइक की रिंग मिलती है, जो उसके पॉकेट से गिर गई थी। उसी समय वहां पर जोम्बी हंटर आपस में लड़ने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर थॉमस उस वैन को लेकर वहां से चला जाता है, जिसमें माइक और ब्रेंट होते हैं। हालांकि उस दौरान चार्ल्स की बातों की वजह से माइक पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन ब्रेंट उसे समझाता है कि तुम्हें
एक बार एली से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें प्यार ना करती हो लेकिन तुम उसे बहुत प्यार करते हो और उसे ये बात पता चलनी चाहिए। तभी उस वैन को चारों ओर से ज़ॉम्बी हंटर घेर लेते हैं, लेकिन माइक और ब्रेंट पहले ही वहां से जा चुके थे। हालांकि वो दोनों एली के घर तक पहुंच जाते हैं, तभी एक ज़ॉम्बी हंटर भी वहां पर पहुंच जाता है जो माइक के पैरों पर गन से शूट करके उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन इसके बावजूद भी माइक रेंगते हुए एली के घर की ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी हंटर उसके पास पहुंच जाता है और वो उसे शूट करने ही वाला होता है। तभी ब्रेंट उस हंटर के पास पहुंचकर उस पर माइक के कटे हुए हाथ से अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर ब्रेंट माइक को एली के दरवाजे तक लेकर जाता है और दरवाजा नॉक करता है, जिससे वहां पर एली बाहर आ जाती है। लेकिन तभी वहां पर चार्ल्स अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है, जो एली को उन दोनों से दूर रहने के लिए है और कहता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यह सुनकर माइक कहता है कि मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, इसके बाद आप मुझे अपने लैब में ले जा सकते हो। फिर माइक एली को बताता है कि मुझे तुम्हारे डैड ने मार दिया था और फिर मुझे एक ज़ॉम्बी में बदल दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब मुझे किसी को भी कुछ भी नहीं कहना है। मैं बस तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता था और बताना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर माइक एली को रिंग देकर हंटर के साथ वहां से जाने लगता है, लेकिन एली को भी माइक के प्यार का एहसास हो गया था, इसीलिए वो उसे रोक लेती है और बताती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद वो माइक के सामने ही वो रिंग पहन लेती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।